तो दोस्तों फिर एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी वैक्सीन लगवा लिए हैं तो दोस्तों जैसे ही आप वैक्सीन लगवा लेते हैं वैसे ही आपको एक वैक्सीन सर्टिफिकेट दिया जाता है जिससे ये मालूम होता है कि आपने वैक्सीन लगवा लिए हैं। लेकिन दोस्तों जब आप वैक्सीन लगाने के लिए जाते हैं तो उसमें आपको कोई भी एक प्रूफ मांगा जाता है और साथ ही साथ में एक मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है। इससे क्या होता है कि आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट में जो भी आपका डिटेल्स होता है वो आपके प्रूफ के हिसाब से होता है। तो दोस्तों अगर आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट में कुछ भी गड़बड़ी हुआ है, कुछ भी गलत हुआ है, जैसे कि आप वैक्सीन लगाते समय जो भी आपने प्रूफ दिया है अगर उस प्रूफ के हिसाब से आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि किसी व्यक्ति के वैक्सीन सर्टिफिकेट में नाम गड़बड़ी है, तो किसी के जेंडर चेंज हो गया है, किसी के वैक्सीन सर्टिफिकेट में जन्मतिथि कुछ अलग आ गया है, या फिर किसी व्यक्ति के सर्टिफिकेट में ऐसा हो गया है कि जो वैक्सीन लगाते समय जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर ऐड नहीं है, वैसा मोबाइल नंबर ऐड हो गया है जो किसी दूसरे पर्सन का है, कोई ऐसा मोबाइल नंबर ऐड हो गया है जिससे ये मालूम होता है ये मोबाइल नंबर वैलिड नहीं है या फिर ये मोबाइल नंबर है ही नहीं। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहा जाए कि अगर आपके भी वैक्सीन सर्टिफिकेट में कुछ भी गड़बड़ी हुआ है तो आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप कर देते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। करने से पहले हमेशा की तरह आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल नंबर की। तो दोस्तों आप वैक्सीन लगाते समय जो भी आपने मोबाइल नंबर दिए थे अगर आपका वो मोबाइल नंबर ऐड नहीं हुआ है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर ऐड हो गया है या फिर कोई ऐसा नंबर ऐड हो गया है, ना ही वो मोबाइल नंबर है और ना ही वो मोबाइल नंबर वैलिड है। तो दोस्तों अगर आपका मोबाइल नंबर का कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ किसी दूसरे पर्सन का आ गया है तो उसको आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं, तो उसका वीडियो हमने प्रॉपर बनाया हुआ है जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप अपने मोबाइल नंबर करेक्शन कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपके मोबाइल नंबर के अलावा किसी दूसरे चीज़ में गड़बड़ी हुआ है जैसे कि नाम, जेंडर या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो उसको आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो अगर आपके भी वैक्सीन सर्टिफिकेट में कुछ भी गड़बड़ी हुआ है तो उसको आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको COVID-19 के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप वेबसाइट पर आएंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। वैक्सीन लगाते समय आपने जो भी मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है। और अगर आपका मोबाइल नंबर से आपका कोई भी वैक्सीन सर्टिफिकेट रजिस्टर नहीं हुआ है लेकिन आप वैक्सीन लगाते समय वही मोबाइल नंबर दिए हैं तो दोस्तों उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मोबाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मोबाइल नंबर का यहाँ पर प्रॉब्लम कम्प्लीट हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है और आपका मोबाइल नंबर से रजिस्टर है वैक्सीन सर्टिफिकेट, तो अगर आपके मोबाइल नंबर के अलावा कुछ भी आपका करेक्शन करना है तो आप वैक्सीन लगाते समय जो भी आपने मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है और उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आप लॉगिन हो जाएंगे और इस मोबाइल नंबर से जितने भी व्यक्ति यहाँ पर अपना वैक्सीन लगाए होंगे तो सारे व्यक्ति का यहाँ पर नाम शो हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी करेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रेज एन इशू, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट में ही ऑप्शन मिल जाता है करेक्शन इन माई सर्टिफिकेट रिगार्डिंग नेम एज जेंडर फोटो ID। तो दोस्तों इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताया गया है जो आपको एक बार रीड कर लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट कैन ओनली बी चेंज वन टाइम, ऑल चेंजेस आर परमानेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो भी करेक्शन करना चाहते हैं वो आप एक ही बार आप करेक्शन कर सकते हैं, और अगर आप जो चेंज करा रहे हैं और अगर वो आपका फेक निकलता है, आप फेक चेंज करा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपके ऊपर केस भी हो सकता है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर आपको करेक्शन करना है।
और दोस्तों जैसे ही आप इसको करेक्शन के लिए आप अप्लाई कर देंगे वैसे आपका 48 आवर्स के अंदर आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट करेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप जिसका भी करेक्शन करना चाहते हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट ए मेंबर पर क्लिक करना है और इस नंबर से जितने भी यहाँ पर मेंबर होगा उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, यानी जिस भी व्यक्ति का आप करेक्शन करना चाहते उसका नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। और जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे वैसे यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट में नाम गड़बड़ी हुआ है तो नाम जो आपका है यहाँ पर शो होगा और उसके सीधे में चेंज का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका जो भी करेक्ट नेम है इसको यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। और अगर आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ गलत हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर आपको उसी तरीके से चेंज का ऑप्शन मिलेगा उसके सीधे में, तो इसमें आपको क्लिक करना है और जो भी आपका यहाँ पर करेक्ट आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है और यहाँ पर आपको ईयर ऑफ बर्थ ही फिल करना है। दोस्तों आपका जेंडर गड़बड़ी हुआ है तो आप चेंज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना जेंडर को आप करेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपका फ़ोटो आईडी आपका गलत हुआ है तो इसको भी आप करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी आप प्रूफ दिए थे वैक्सीन लगाते समय अगर आपका फ़ोटो आईडी में कुछ गड़बड़ी हुआ है तो यहाँ पर भी आप चेंज पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना करेक्ट नंबर यहाँ पर आप फिल कर देना है जो भी आप प्रूफ दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने आधार कार्ड दिया हुआ है तो यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे और अगर आपने पैन कार्ड दिए होंगे तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर जो भी आपका करेक्ट है उसको यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, जो भी आपका गलत हुआ उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है अपलोड फोटो आईडी। दोस्तों यहाँ पर आप जो भी करेक्शन कर रहे हैं वो आपका नाम किसी दूसरे आईडी में होना चाहिए या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी दूसरे आईडी में होना चाहिए, तो जो भी आप करेक्शन कर रहे हैं वो आपका किसी दूसरे आईडी में होना चाहिए प्रूफ के लिए यहाँ पर मांगा जाता है। तो सिंपली से आपको अपलोड फाइल पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फाइल्स पर आ जाना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको फोटो आईडी अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है कंटिन्यू का ऑप्शन, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल्स केयरफुली, तो यहाँ पर आप एक बार ध्यान से चेक कर लेना जो भी आप करेक्शन कर रहे हैं वो आपका सही है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो भी करेक्शन कर रहे हैं वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अपना नेम यहाँ पर हमने करेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने अपना नेम करेक्शन कर लिया है और जो मेरा पुराना नेम था यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर आपका यहाँ पर गलत हुआ है तो फिर से आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप जो भी अपना आईडी दिए हैं प्रूफ के लिए ये भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, और या फिर यहाँ पर कुछ भी और दूसरा चीज़ आप एडिट करना चाहते हैं तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार यहाँ पर आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है और उसके बाद आपको सबमिट रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे वैसे ही आपका इस तरीके से सबमिट हो जाएगा और आपका 48 आवर्स के अंदर आपका जो भी आप करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किए वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट में कुछ भी आप करेक्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों फिर मैं से ही बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।